हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइंस्टेक पे। अगर आपका बजट 20,000 रुपए है और आप ढूंढ रहे हैं इस बजट में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 20,000। इस मोबाइल में आपको टॉप क्लास का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आप बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और सेल्फी कैमरा भी इसका बहुत ही शानदार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिफ्थ नंबर जो मोबाइल है वो है OnePlus का Nord CE2 Lite 5G। OnePlus का ये इकलौता फोन है जो हमें 20,000 के अंदर मिलता है। इसका कैमरा भी अच्छा है और डिजाइन भी इसका टॉप क्लास का है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हालांकि इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है, बट फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस में Snapdragon 695 का 5G चिपसेट मिलता है। LPDDR4X का RAM, UFS 2.2 का रो स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल Android 12 पे वर्क करता है। बैटरी में 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जिसमें 33 वाट का सुपर ऊक चार्जिंग सपोर्ट करता है। बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का माइक्रोन, 2 MP का डेप कैमरा। फ्रंट में आपको 16 MP का सोनी IMX471 का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो इन दोनों कैमरे में आप फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। डुअल व्यू मोड है, HDR मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, और बहुत सारे फोटोग्राफी मोड और फिल्टर्स हैं। इसके अलावा 3.5 का जैक, स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और USB टाइप सी का केबल है। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो 6GB 128GB का वेरियंट 18,999 का मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर मोबाइल पे, जो है Redmi Note 11 Pro Plus। अगर आपको एक Redmi का बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जिसका डिजाइन बहुत ही टॉप क्लास का हो, तो ये Redmi का यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मिनरल ग्लास का इसका बैक है, 202 ग्राम का इसका वेट है, 8.1mm का थिकनेस है। डिस्प्ले में 6.6 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड Gorilla Glass 5 का सपोर्ट भी है। परफॉर्मेंस में क्वालकम स्नैपड्रैगन 695 का 5G डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें LPDDR4X का RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल Android 11 पे वर्क करता है। बैटरी में 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जिसमें 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 30 मिनट में यह मोबाइल को 50% चार्ज कर देगा। फाइनली बात करें कैमरे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का माइक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इन दोनों कैमरे में आप फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3.5 का जैक, स्टीरियो स्पीकर, USB टाइप सी का केबल मिलता है। ये मोबाइल IP53 सर्टिफाइड है, और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बात करें इसके प्राइस की, तो 6GB 128GB का वेरियंट 19,999 का है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर फोन पे, जो है मोटो का G82 5G। अगर आपको एक हल्का पतला फोन चाहिए जिसका UI क्लीन हो और कैमरा भी टॉप क्लास का हो, तो मोटो G82 बेस्ट ऑप्शन है। प्लास्टिक का बॉडी है इसका, 173 ग्राम का वेट, 7.9mm का थिकनेस है। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। क्वालकम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। LPDDR4X का RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल Android 12 पे वर्क करता है। बैटरी में 5000 mAh का बैटरी है, जिसमें 30 वाट का टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करता है। बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का माइक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इन दोनों कैमरे में आप फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके कैमरे में आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग है, HDR मोड है, सुपर नाइट मोड भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें आपको 3.5 का जैक, डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर, USB टाइप सी का केबल, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। बात करें इसके प्राइस की, तो 6GB 128GB का वेरिएंट 21,499 का है। हालांकि प्राइस इसका 20,000 के ऊपर है, बट ये आपको बैंक ऑफर में या सेल में आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा। अगर ये सेल में आपको 20,000 के अंदर मिलता है, तब आप इसे परचेस कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड नंबर फोन पे, जो है Samsung का Galaxy M52 5G। अगर आपको एक Samsung का फोन चाहिए जिसका कैमरा आपको इस रेंज में टॉप क्लास का मिले तो Samsung M52 जरूर लीजिए। प्लास्टिक का बॉडी है इसका, 7.4 mm का थिकनेस, 173 ग्राम का इसका वेट है। डिस्प्ले में 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 का सपोर्ट है। परफॉर्मेंस में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट देखने को मिलेगा। LPDDR4S का रैम, UFS 2.2 का रोम है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 पे वर्क करता है। 5000mAh का बैटरी है जिसमें 25W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। बात करें इसके कैमरे की, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंड 5MP का माइक्रो कैमरा। इस कैमरे में आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पे। फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जिसमें आप फुल HD में 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, Samsung के कैमरे वैसे भी अच्छे होते हैं। ये भी कैमरा बहुत ही बेस्ट है, बहुत सारे फोटोग्राफी मोड और फिल्टर हैं इसमें। इसके अलावा 3.5 का जैक इसमें नहीं मिलता है। Dolby Atmos का स्पीकर है, USB Type-C का केबल है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात करें इसके प्राइस की, 6GB 128GB का वेरिएंट इसका 19,999 है। हालांकि प्राइस इसका वैसे 22,000 से 23,000 है, बट अभी Amazon पे सेल चल रहा है इसलिए इसका प्राइस आपको अंडर 20,000 मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर मोबाइल पे, जो है Realme 9 Pro Plus। Realme के इस मोबाइल का प्राइस तो ज्यादा है दोस्तों, बट ये कैमरे में टॉप क्लास का है। बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसका डिजाइन भी आपको टॉप क्लास का देखने को मिलता है, जेजी डिजाइन इसका। 7.9 mm का थिकनेस, 182 ग्राम का इसका वेट है। डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 5 का सपोर्ट है। इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट, जो कि 6nm पे बेस है। LPDDR4S का रैम है, UFS 2.2 का इसका स्टोरेज है। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल एंड्रॉइड 12 पे वर्क करता है। अब बढ़ते हैं इसके कैमरे पे, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है जो कि सोनी का है, और उसमें OIS की सपोर्ट भी है। 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, ये भी कैमरा सोनी IMX471 का है। मेन कैमरे में आप 4K में 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फ्रंट में आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। इसके अलावा कैमरे में पोर्ट्रेट मोड है, HDR मोड है, सुपर नाइट मोड है, बहुत सारे फिल्टर और बहुत सारे फोटोग्राफी मोड हैं। बैटरी की बात करें तो 4500mAh का बैटरी है जिसमें 60W का सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें आपको 3.5 का जैक, स्पीकर, USB Type-C का केबल मिलेगा। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। बात करें इसके प्राइस की, 6GB 128GB का वेरिएंट 24,999 का है, बट अगर आपको इस सेल में 21-22,000 के आसपास मिलेगा तो आप जरूर लीजिए। तो ये थे 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। आपको इन 5 स्मार्टफोन में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।